जैसे आपने प्रेस नोट पढ़ा होगा, ये फिल्म चाइल्ड टेररिज्म के ऊपर है जो कि इंडिया में पहली बार बन रहा है। हम लोग ने इसके बारे में बहुत पढ़ा है, गूगल सर्च भी किया है, लेकिन हम लोग इसके बारे में जानना नहीं चाह रहे अभी भी। यानी कि मीडिया भी जानना नहीं चाह रहा है, मीडिया तो ऑफकोर्स जानना अंदर जाता है, लेकिन एज अ ऑडियंस और मैं बोलूँगा कि एज अ फिल्म मेकर इस चीज़ को किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे प्रोड्यूसर साहब का ही है जिसको हमने डेवलप किया है, और जब ये फिल्म आएगा तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये जो चाइल्ड टेररिज्म का सोर्सिंग कहाँ से होता है। ये सोर्सिंग हमने इसमें दिखाया है जो कि अनाथ आश्रम का बैकग्राउंड है, और आज हम लोग इस कैलाश के स्टूडियो में इसका म्यूज़िक मुहूर्त कर रहे हैं। हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर अरस साहब हमारे साथ हैं, मिथिला नाइक है, और शांतनु जी है इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। नारायणी फिल्म्स के अंदर हम ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हम लोग ज़्यादा इसके बारे में बोलना नहीं चाहेंगे क्योंकि सभी को एक क्यूरियोसिटी लेवल है कि ये जो रैकेट है ये कहाँ से चलता है। ओके, तो जब ये फिल्म आएगा तो और ज़्यादा एक्सप्लोर होंगे इस आप लोग। जैसा कि आपने बताया कि ये इसका प्रोसेस हुआ नहीं जी, कितना मुश्किल है, कितना आसान तक शुरू कर पाना, और क्या क्या चीज़ें आप रियल लाइफ नहीं 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 ये काल्पनिक कहानी नहीं है, एक्चुअली ये सब सच्ची घटना से आधारित कहानी है, और इसमें दिक्कतें बहुत हैं। बिकॉज जैसे मैंने बोला कि द वर्ड टेररिज्म आज के दौर में एक बहुत बड़ा, अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, वी डोंट नो कि हम लोग घर जाए कि नहीं जाए, है ना। तो ठीक है, हम लोग तो सेफ जोन में रहते हैं ऐसे हम लोग सोचते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग सेफ जोन में होते नहीं हैं। और जो ये चीज़ जो करता है, और आजकल जो आतंकवादी ट्रेन हो रहा है उसका उम्र 12 से 15 साल 16 साल का, जो कि अपने लिए बहुत लोग बोलेंगे ना कि घातक है चीज़, तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन आना चाहिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कम। जी सर, एज अ प्रोड्यूसर आप फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे और स्टारकास्ट किस तरह से फाइनलाइज की गई इस फिल्म के लिए? देखिए, इसमें स्टारकास्ट हमने अखिलेंद्र जी को साइन किया है, प्रियांशु चटर्जी हमारे साथ हैं, और दीप रंजन राणा साहब भी हमारे फिल्म में काम कर रहे हैं। और बेसिकली ये फिल्म का कॉन्सेप्ट ऐसा था कि चाइल्ड टेररिज्म को हमको हाईलाइट करके दिखाना था, इसमें एक अनाथ आश्रम का भी हम उसमें लिंकेज दिखाएंगे। और होता क्या है कि बच्चों को ब्रेन वॉश करना बहुत इजी है आज के डेट में, करंट अब न्यूज़ में हम लोग पढ़ते रहते हैं कि कैसे आजकल आतंकवादी जो गतिविधियां हो रही हैं उसमें छोटे बच्चों को सम्मिलित करके वो लोग इधर उधर कुछ कर रहे हैं, तो उस मुद्दे को हम लोग हाईलाइट करते हुए एक नया चीज़ लेकर के आए हैं। इसका मेरे दिमाग में बहुत दिन से थॉट था, और इसको सब लोगों के साथ बैठ के हमने अंग्रेज साहब के साथ बैठ के डिस्कस किया, तो एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट बन के तैयार हो गई, और इस चीज़ को हम इस महीने शुरू करेंगे और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने ये चीज़ बन के तैयार हो जाएगी। सर, सिंस आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आज जो है सॉन्ग रिकॉर्डिंग होने वाला है, किस तरह से गाना कनेक्ट करेगा फिल्म को, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये एक्चुअली स्टोरी तो आपको पता चली, बहुत अच्छी स्टोरी है, लेकिन नॉवेल्टी उसमें, सुबोधन जी के साथ मैं पहले भी दो फिल्में कर चुका हूँ, बहुत ही अच्छे काबिल डायरेक्टर हो, उनके साथ काम करने आई एम वेरी कम्फर्टेबल एंड हैप्पी। अभी ये जो कैलाश जी का गाना है वो एक थीम सॉन्ग है हमारा, वो थीम उसके अंदर बहुत कुछ हमें स्टोरी के बारे में पता चलेगा कि क्या है एक्चुअली स्टोरी का सार उसके अंदर है। बाकी और भी दो गाने हैं, एक आइटम सॉन्ग है, मतलब आइटम सॉन्ग चाहिए इसके लिए डाला हुआ नहीं है, वो सिचुएशन के डिमांड के हिसाब से आइटम सॉन्ग है, हमने एकदम अलग स्टाइल से रिकॉर्ड किया है, जिससे आज के स्टाइल में रिदम भी है, मेलोडी भी मेंटेन की है, और एक बच्चों का एक अलग टाइप का एक सॉन्ग है जो हाइड एंड सीक का सिचुएशनल सॉन्ग है, वैसे तीन बहुत अच्छी सिचुएशन मिली है। तो मुझे तो लगता है कि ये फिल्म बहुत अच्छा नाम कमाने वाली फिल्म है, क्योंकि सब्जेक्ट और जो हिसाब से सुवर्धन जी उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, इज़ गोइंग टू बी अ वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी सुपर हिट फिल्म। तो सर ने बताया कि अब आपकी अनाथ आश्रम पर बेस्ड मूवी है, स्टोरी मैंने भी सुनी, बहुत अच्छी लगी है। मैं चाहती हूँ कि ईच एंड एवरी चाइल्ड मूवी देखे, पेरेंट्स भी जाते हैं ये मूवी देखे, बिकॉज पता लगना चाहिए कि जो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं या फिर अनाथ आश्रम के बच्चे क्या जी रहे हैं, वो हम लोगों ने इस मूवी में दिखाया है। एग्जैक्टली बींग अ कलेक्टिव वाइफ, मैंने इसका कलेक्टिव वाइफ का रोल किया है जो इसमें प्ले करिए, तो
इवन फॉर मी मेरा बच्चा होते हुए भी लाइक अडॉप्टिंग अ चाइल्ड फ्रॉम अनदर पर्सन व्हाट एवर इट इज, तो एक अलग सी फील होती है. मेरा ड्रीम था कि मैं अनाथ आश्रम में विजिट करूँ कभी तो, बट माई ड्रीम इज गेटिंग फुलफिल्ड राइट नाउ. थैंक यू सो मच.